हाय दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सेठ क्रिएटर हैं ये, सेठ क्रिएटर बिल्डर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है सेठ आयरिन। आज जानते हैं सेठ आयरिन में किस टाइप का प्रॉपर्टी बना हुआ है। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ का एलिवेशन कैसा है सेठ आयरिन का। अभी अभी ये प्रॉपर्टी लॉन्च हुआ है। लोकेशन इसका लिबर्टी गार्डन मालाड वेस्ट में है और न्यू लिंक रोड इससे लग के ही है। तो आइए देखते हैं क्या बना हुआ है यहाँ पे और कैसा लोकेशन है, क्या एलिवेशन है, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। उसके बाद में फिर प्राइजिंग और साइजिंग की बात करूंगा। कुछ यहाँ पे सैंपल फ्लैट बने हुए हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ इसका डिटेल। दोस्तों, ये सेठ आयरिन का हायर फ्लोर से व्यू है, आप देख सकते हैं कितना ही मेस्मराइजिंग व्यू है ये। मैं खाली अपर फ्लोर पे आपको व्यू दिखाने के लिए कैमरा दिखा रहा हूँ, बिकॉज फ्लैट अभी रेडी नहीं हुआ है। और अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सैंपल फ्लैट है जो बिल्डिंग के अंदर ही रेडी है। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि फ्लैट किस टाइप का आने वाला है, वो मैं एक्चुअल फ्लैट का ही आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये इसका 1 BHK की प्रॉपर्टी है जो मैं दिखा रहा हूँ। स्क्वायर में इसका हॉल है और ये कुछ 3rd या 4th फ्लोर पे बना हुआ है। अभी जो टावर आने वाला है वो इसके जस्ट बगल में ही आने वाला है। ये आप एक आइडिया ले लें फ्लैट का किस टाइप का है, उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करें, फिर मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको प्रॉपर्टी परचेस करने में। जब आप लिविंग डाइनिंग से अंदर की ओर जाते हैं तो पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिलता है। जिसमें ब्यूटीफाइड टाइल्स और ग्रेनाइट्स में काम किया हुआ है बिल्डर ने। इसके बाहर ये कॉर्नर पे आप चाहें तो एक्स्ट्रा बेसिन लगा सकते हैं, इतना जगह तो दिया हुआ है, बट आपको अंदर ही ये बेसिन लगा के दिए हैं। और इससे आगे थोड़ा आप जाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे किचन मिलता है। किचन में भी तो आप देखें, प्रॉपर एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर मॉड्यूलर किचन वगैरह सब ये लगा के दे रहे हैं, आपको बना के दे रहे हैं। और पूरे फ्लैट में फायर का भी लाइन है, फायर ब्रिगेड का लाइन आजकल कंपलसरी हो गया है, बिकॉज उसके बगैर ओसी देते नहीं हैं। ये एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है यूटिलिटी के लिए, जहां एसी के आउटडोर एक्स्ट्रा कुछ सामान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। सेठ क्रिएटर जो डेवलपर हैं दोस्तों, आप देखें तो मलाड में इन्होंने सारे हाई राइज टावर डेवलप किया है, अपने आप में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मास्टर बेडरूम है 1 BHK का। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट इसका 2 BHK किस टाइप का है। सामने ये वार्डरोब का स्पेस दिया है, वो विंडो दिया था, अब तो वहाँ पे तो वार्डरोब उस पर आप नहीं बना पाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ इसमें वार्डरोब का जगह क्या दिया हुआ है। इस सामने आप देख सकते हैं वॉशरूम के बगल में जो दिया हुआ जगह है वो उसका वार्डरोब का है, कबर्ड का है। और ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, सेम स्पेस जितना बड़ा उन्होंने कॉमन में दिया है उतना ही बड़ा मास्टर बेडरूम में दिया है। ये एक अच्छी बात है कि मास्टर बेडरूम में एक एक्स्ट्रा वॉशरूम देने के बाद अच्छा एक दो फैमिली को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। वैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप छोटी फैमिली के लिए भी बड़ा घर ले सकते हैं, लेकिन जनरली दो फैमिली तो 1 BHK में भी सर्वाइव कर जाते हैं जब मास्टर बेडरूम मिल जाता है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 2 BHK का प्रॉपर्टी इसका कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इसका पैसेज है पूरा, अभी पहले आप 2 BHK देख लें फिर मैं पूरा पैसेज भी आपको दिखाता हूँ। अब 2 BHK का फ्लैट आप देखें तो 1 BHK से डिफरेंट है। इसमें आपको एल टाइप में हॉल मिलता है, डाइनिंग का अलग से एरिया मिलता है, लिविंग का एरिया आपको अलग मिल जाता है, जहां पे आपको सोफा, टीवी, सिटिंग एरिया ये सब बनता है, उसको लिविंग एरिया कहते हैं। यहां से आपको लिंक रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल पास में ही है, लिंक रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर आप पहुँच जाते हैं। वो मैं जब फ्लैट के
जब पूरा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कनेक्टिविटी, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ से क्या कनेक्टिविटी है, जो मैं हर एक वीडियो में बताता ही हूँ। लिविंग डाइनिंग से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिलता है आपको, जिसमें सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, जैसा आपने 1 BHK का देखा है वही सेम पैटर्न है, बट एरिया थोड़ा बड़ा बनाया है किचन का 2 BHK के मुताबिक। और यहाँ से जब हम किचन से बाहर निकलेंगे तो आपको थोड़ा ही आगे जाके आपको वॉशरूम मिल जाता है, थोड़ा सा क्रॉस होके वॉशरूम मिलता है जो कॉमन वॉशरूम है इसका। काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, आप देखें तो इतना कुछ इन्होंने लगा के दिया है, सारे ब्रांडेड एसेसरीज यूज़ किया है, क्या इलेक्ट्रिकल के लिए, क्या प्लम्बिंग के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ फर्नीचर करके और एंटर कर सकते हैं घर में रहने के लिए। अभी मैं आपको इसका पहला बेडरूम दिखाता हूँ जो इसका कॉमन बेडरूम है। 2 BHK के कंसेप्ट ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि एक बेडरूम में वॉशरूम नहीं होता, जिसे गेस्ट बेडरूम भी कहते हैं, किड्स बेडरूम कहते हैं, कॉमन बेडरूम कहते हैं। उसका बस फ़र्क ये होता है कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता और एक अटैच्ड वॉशरूम होता है। 2 BHK का जनरल जो कंसेप्ट है वही चलता है, बहुत ऐसे लग्जरी जो बनाते हैं फ्लैट्स। ये इसका वार्डरोब का स्पेस है, आप देख सकते हैं, जो बहुत लग्जरी बनाते हैं तो उसमें 2 मास्टर बेडरूम दे देते हैं। एक इसका इसमें भी एक प्लस पॉइंट है कि एक्स्ट्रा आपको एक यूटिलिटी का स्पेस दिया हुआ है, जहां घर के एक्स्ट्रा सामान आप रख सकते हैं कुछ, जैसे आप देख सकते हैं एसी इन्होंने लगाया, एसी का आउटडोर लगाया है, और भी कुछ एक्स्ट्रा लगेज आप रख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम कैसा है। इसका मास्टर बेडरूम है, इसमें एंटर करते ही आपको राइट हैंड साइड पे पहले वॉशरूम मिल जाता है, इसके बाद आपको मैं मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। इसका मास्टर बेडरूम में आप चलते हैं, ये इसका वार्डरोब का स्पेस है, और आप देखें तो 2 साइड में वेंटिलेशन दिया हुआ है। 2 साइड में जहाँ वेंटिलेशन हो जाता है, वहाँ एक बात आप समझ लें कि बेडरूम के अंदर अगर एक कॉर्नर से हवा आने की जगह है और दूसरे कॉर्नर पे छोटा भी विंडो है, तो हवा अगर एग्जिट होने की जगह है तो काफ़ी बढ़िया एक अच्छा वाइब्स रहता है, पूरा बेडरूम में ठंडक बना हुआ रहता है। ये इसका विंडो से व्यू है बाहर का, और मैं आपको यहीं से कैमरा घुमा के बेडरूम का भी पूरा व्यू दिखाता हूँ। प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है मास्टर बेडरूम का। मैं आपको इसका पैसेज दिखाता हूँ, किस टाइप का पैसेज बनाया है इन्होंने, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ब्रॉड बनाया है। ज़्यादातर बिल्डरों को देखने को मेरे छोटा बना देते हैं, तो सामान अमन शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है ना, तो जो एक अपने ब्रांड को लेके मेंटेन करते हैं तो वो इन सब चीज़ों को काफ़ी बारीकी से ध्यान देते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो यूज़र्स हैं उनको ऐसा कुछ परेशानी ना झेलना पड़े शिफ्टिंग को लेके। वो स्टेयरकेस काफ़ी ब्रॉड बनाते हैं, पैसेज काफ़ी ब्रॉड बनाते हैं, क्योंकि जब एक बार बिल्डर ऐसा काम करते हैं तो आगे का प्रोजेक्ट बेचना उनका बहुत आसान हो जाता है, जब पब्लिक सेटिस्फाई होती है तब। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बड़े बिल्डर हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से पहचानते हैं और कस्टमर की फैसिलिटीज़ के लिए काम करते हैं। 2 स्टेयरकेस इन्होंने बनाया है और 3 से 4 लिफ्ट दिया है इन्होंने। एक हाई राइज टावर है तो पब्लिक को ऊपर नीचे होने में दिक्कत होती है, इसके हिसाब से उन्होंने दिया है। आगे आप डिटेल में समझें इस प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है दोस्तों।
मैं प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं तो अभी भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। SRA लैंड है इसका, 2.5 एकड़ का लैंड एरिया है, 55 माले की बिल्डिंग है ये, 55 स्टोरी टावर है, दो विंग की पूरी सोसाइटी है ये। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 11वें माले से, 11th फ्लोर से इनका रेसिडेंशियल फ्लैट स्टार्ट हुआ है। एमिनिटीज इसका सारा 10वें माले पे है, 10th फ्लोर पे है। 9 माला इसका पूरा का पूरा पोडियम पार्किंग है। आप समझ सकते हैं जो 55 स्टोरी टावर है तो पार्किंग और एमिनिटीज के लिए जगह तो चाहिए ही, वो हिसाब से इन्होंने बनाया है। अगर आप प्रोजेक्ट को रेरा में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसका रेरा नंबर है P518000155 07 है। तो आप कोई भी अगर न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में फ्लैट खरीदना चाहते हैं या प्रोजेक्ट में खरीदना चाहते हैं तो एक बार आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर देख लें कि वहाँ पे डिटेल क्या अपलोड हुआ है। वहाँ से आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाती है। रेरा में पोजिशन इसका 2027 में है, बट बिल्डर आपको 2026 में ही दे देंगे, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का टारगेट रहता है एक साल पहले ही देने का, एक साल का ज्यादा परमिशन बिल्डर लेके चलते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखें कि रेरा में पोजीशन उसका कभी है, उससे एक साल पहले ही बिल्डर ज्यादातर पोजीशन दे देते हैं। बिकॉज अभी रूल्स क्या है कि जब भी प्रोजेक्ट कोई डेवलप करते हैं बिल्डर, तो जो अमाउंट वो कस्टमर्स से लेते हैं, जो पैसा वो बायर्स से लेते हैं, उसका लगभग 70-80% पैसा जो है वो रेरा के अकाउंट में रहता है। 20-30% अमाउंट ही वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर पाते हैं। तो 20-30% पैसा ही यूज कर पाते हैं, 70% पैसा जब उनको मिलता है जब वो बिल्डिंग पूरा का पूरा बन के कस्टमर्स को हैंडओवर करते हैं और OC का जो पेपर है वो सबमिट करते हैं रेरा के वेबसाइट पे, तब उनका पूरा का पूरा अमाउंट रिलीज होता है। तो ये चीज आप जान लें दोस्तों, रेरा में रजिस्टर होने का ये बेनिफिट है। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन हो जाएगा, SBI, एक्सिस, HDFC, LIC एक्सेट्रा, किसी भी बैंक से आप लोन हो जाएगा। इसमें पेगोडा का व्यू प्रॉपर्टी है, यानी ग्लोबल विपासना पेगोडा मुंबई में बहुत फेमस है, जब आप कभी आना हो तो आप देखें। साथ ही साथ सिटी व्यू भी फ्लैट इसमें आपको मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1BHK 2BHK दो टाइप का है, और जोड़ी फ्लैट भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और जोड़ी फ्लैट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रियल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1BHK का कारपेट एरिया 450 यानी 450 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है, जिसका एग्रीमेंट वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ रुपये इसका एग्रीमेंट वैल्यू है 1BHK का। 2BHK का कारपेट एरिया 680 यानी लगभग 680 स्क्वायर फुट है, लगभग 700 पकड़ लीजिए, 10-20 स्क्वायर फुट ऊपर नीचे, तो 700 स्क्वायर फुट का इसका आपको कारपेट एरिया मिलता है 2BHK का। इसमें अंदाजा लगा सकते हैं काफी बढ़िया आपको कारपेट मिलता है 2BHK का। इसका एग्रीमेंट वैल्यू आपको 1.55 CR 1,55,00,000 में आपको यहाँ पे 2BHK मिल जाएगा दोस्तों। 1BHK जोड़ी या फिर 2BHK जोड़ी लेना चाहेंगे तो 1BHK जोड़ी एरिया पूरा लगभग 900 स्क्वायर फुट का बनता है, 2BHK का जोड़ी 1130 स्क्वायर फुट का बनता है, काफी बड़ा हो जाता है दोस्तों। 2-1 की भी जोड़ी लेना चाहेंगे, 2BHK और 1BHK की जोड़ी, तो वो लगभग 1080 यानी 1080 स्क्वायर फुट का बनता है। ये जो प्राइसिंग मैंने बताया है इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अदर चार्जेस, मेंटेनेंस वगैरह सब आपको अलग से आएगा। पोडियम पार्किंग में अगर आप पार्किंग लेना चाहते हैं तो 6-7 लाख का इसका पार्किंग है। मैं प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों, तो प्राइसिंग जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज एक बार जब प्राइसिंग बता देते हैं तो वीडियो अगर 10 दिन 15 दिन 1 महीना आगे पीछे हो जाता है तो प्राइजिंग बिल्डर का कभी उनके सेल्स के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। तो एग्जैक्ट प्राइजिंग आपको मैं बता दूं, फिर बाद में प्राइस चेंज हो जाए तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप मुझे एग्जैक्ट, जैसे जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मुझे फोन करें, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि उसका फ्लैट कॉस्ट बॉटम प्राइस क्या है, उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या आएगा उस वक्त के अनुसार। सेठ आयरिन के गिफ्ट वाउचर की बात करूं, जो हमारे हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रहता ही है, इसमें 1BHK का जो प्रॉपर्टी है उस पर जो हमारे से आप बुकिंग करते हैं तो 40-50,000 का आपको स्ट्रेट गिफ्ट वाउचर रहेगा। ये वीडियो पब्लिश होने के बाद 6 मंथ तक ये वैलिड रहेगा दोस्तों। दूसरा जो 2BHK है उसमें 60-70,000 का गिफ्ट वाउचर है। अब ये गिफ्ट वाउचर हम लोग कैसे अनाउंसमेंट करते हैं, ये हमें कैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो मैं आगे बात करूंगा, जहां पे हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो है। फिलहाल ये गिफ्ट वाउचर हमारी ओर से रहेगा अगर आप हमारे चैनल के थ्रू बुकिंग करते हैं तो दोस्तों। कोई भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझ लें पहले। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना खरीद सकते हैं, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, जोड़ी या इनसे 4 फ्लैट खरीद सकते हैं।
हम लोग ये डिस्काउंट ऑफ़र और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50, 100-100 फ्लैट, 200-200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में, जिसके कारण आप छोटे ब्रोकर छोटे सीपीस के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफ़र मिलता है, वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर सीपीस को मिलता है। आप हमारे थ्रू फ़ोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट श्योर एंड शॉर्ट हम करवा के देंगे दोस्तों। कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है के बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके लिए काम ना करें। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जरूर जाएं। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी दो टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रिसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप अगर CPs के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। बिल्डर को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि बिल्डर 5,000, 1,000, 2,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप जरूर किसी ना किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पे चल रहा है। एमिनिटीज की बात करूँ, इसमें इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, बास्केटबॉल, मल्टीपर्पज हॉल, परगोला पाथवे, बारबेक्यू एरिया, स्विमिंग पूल, जिमनासियम, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, ये सब यहाँ पे एमिनिटीज़ है। ये मैंने पूरा एमिनिटीज़ नहीं बताया, कुछ जो मेन मेन है वो बताया है, वैसे एमिनिटीज़ तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। आपको मैं कनेक्टिविटी बता दूँ, क्योंकि जब अगर आप प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेस करते हैं चाहे रहने के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कुछ चीज़ें कनेक्टिविटी आपको जानना ज़रूरी होता है कि क्या क्या यहाँ पे है। इसमें 2 से 5 मिनट के अंदर आप रिजॉइस इंटरनेशनल स्कूल, सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल, डॉक्टर राधा कृष्णन इंटरनेशनल स्कूल, विद्या विकास यूनिवर्सल कॉलेज, सरस्वती हॉस्पिटल, बस स्टॉप, इन्फिनिटी मॉल, एवरसाइन मॉल, मूवी टाइम सिनेमा, सिनेमैक्स, PVR सिनेमा, मिराज सिनेमा, डी मार्ट, केमिस्ट एंड जनरल स्टोर, लॉर्ड गणेशा मंदिर, चर्च, लिबर्टी गार्डन, माइंड स्पेस गार्डन, माइंड स्पेस IT पार्क, लिंक रोड, ये सब बिल्कुल आप 2 से 5 मिनट के, लिंक रोड तो बिल्कुल पास में ही है इसके, 10 से 15 मिनट के अंदर आप निरंजन मजीठिया कॉलेज, मालाड रेलवे स्टेशन, धानुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन, ओबेरॉय मॉल, ग्रोवन सुबह 01 मॉल, बिग बाजार, स्मार्ट बाजार, और आधे से पौने घंटे के अंदर आप घोड़बंदर रोड, सूरज वाटर पार्क, पवई लेक, अक्सा बीच, मड मार्बे बीच, बरसोबा बीच, जुहू बीच, अंधेरी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट, टंडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, माउंट मैरी चर्च, सिद्धि विनायक मंदिर, 1 से 2 घंटे के अंदर आप जिवदानी मंदिर, गोराई बीच, वेलंकनी बीच, SL वर्ल्ड, वाटर किंगडम, पेगोड़ा, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, गिरगांव चौपाटी, तारापुर वाला एक्वेरियम, वानखेड़े स्टेडियम, मरीन ड्राइव, कोलाबा, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा कैब, ये सब जो मुंबई की फेमस मशहूर चीजें हैं, प्रसिद्ध चीजें हैं, वो मैंने आपको बताया। अगर आप मुंबई से बाहर हैं तो उनके लिए ये नॉलेज जरूरी है। आइए जानते हैं हमारे किन किन सर्विसेज के जरिए और भी हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट करवाते हैं। दोस्तों सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन
एप्लीकेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊं, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में, तो हमें फोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है, और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20, 30-30 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है, गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपए कम भाव में बेचा है। ऐसे जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है वो भी 30-40% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है जो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। बैंक ऑप्शन करती है, कोई कुछ जो ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑप्शन में चली जाती है, तो वो सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी, तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी पीएलसी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं, फायदे वाली डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूं, तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप से ज्यादा फ्रेंडली हैं, व्हाट्सएप हमेशा यूज करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है, आप आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की चीज हो, तो आप उसको परचेस करके उसका फायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, फायदेमंद लगता है, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो, और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं, कोई चैनल पार्टनर नहीं हो, तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और हमें इतना पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाजत दोस्तों। नमस्कार फ्रेंड्स।